तमाशा बरसाते। सर आप कहाँ हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं और हमारा समय काफ़ी प्रॉस्परस है, तो उससे काफ़ी कुछ हमें भी सीखना है, तो इसलिए हमने इस इवेंट के लिए पार्टनरशिप यहाँ किया। और कुछ जो नए चीज़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जो राम वन गमन पर्यटन परिवर्तन में बहुत सारे नए डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, पर एक सद्भावना का रूट की तरह है उसको, तो उसका आज प्रेजेंटेशन था। काफ़ी अप्रिशिएट किया आपके जो विधायक महोदय सुनील राव जी, भी अप्रिशिएट किया और वो भी देखना भी चाहते हैं, आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जो 7 स्टेट हैं नेबरिंग स्टेट से, महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, तो उससे महाराष्ट्र के साथ जल्दी का MOU साइन करेंगे टूरिज्म एक्सचेंज के लिए। तो उस विजिट में ये भी एक बात हुई एंड राव साहब ने इसके लिए काफ़ी मैंने अपना अप्रिशिएशन दिया। जो जॉइंट डायरेक्टर आए थे टूरिज्म के, उनसे ही बात हुई और ओवरऑल छत्तीसगढ़ टूरिज्म हम लोग स्टेट से बाहर निकल के बाकी जो हमारे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमारा महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो ये 3 स्टेट तो फोकस एरिया हमारे हैं, तो इनमें हम टूरिज्म एक्सचेंज के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे इवेंट्स और भी जो होंगे महाराष्ट्र में, हम उसमें पार्टनरिंग करेंगे और महाराष्ट्र के टूरिज्म डिपार्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी अपना टूरिज्म को शोकेस करें, हम आपसी कोऑपरेशन में इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कह रहे थे महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है, तो हम भी उससे पीछे पीछे अपना भी रेपो बढ़ाएंगे, अपना भी रेटिंग बढ़ाएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ ऐसा है कि उसमें जैसे बता रहा था मैं, एयरपोर्ट एक ही है मेजर और रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली रोड ट्रैवल के डेस्टिनेशन हैं, अधिकतर जंगल, पहाड़, नदी, नाले, झरना, ये सब हैं। पर जो अभी हैपनिंग एरियाज है, रायपुर के पास एक अब सिरपुर एक जगह है, उसमें उसको कहते हैं नालंदा छत्तीसगढ़, जैसे बौद्ध विहार है, अपने दलाई लामा जी वहाँ कई बार आ चुके हैं, और उसमें जो 7th century AD के उसमें बहुत सारे पुरातात्विक इसमें धरोहर हैं वहाँ, और उसको हम प्रसाद योजना में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें उसके तहत उसको प्रपोज कर रहे हैं। ये एक मेजर डेस्टिनेशन है जो बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट में। एक और है जो बम्बलेश्वरी हिल्स, आप क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं बम्बलेश्वरी में, उसको प्रसाद सर्किट में ऑलरेडी हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे पैसेंजर एमेंटी और जो यात्रियों की सुविधाएं वहाँ विकसित किए जा रहे हैं, करीब 60 करोड़ का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, और इससे हमारे कि महाराष्ट्र के मुझे लगता है लगभग जो टूरिस्ट आते हैं 30-40% महाराष्ट्र से आते हैं, तो ये एक प्राइम एरिया है। और वाटर टूरिज्म में जो महानदी के जो डैम्स हैं, गंगरेल एक मेजर टूरिज्म है, वाटर टूरिज्म के साथ एक टेंट एकोमोडेशन और एक आपको कैंपिंग का बड़ा अनूठा अवसर मिलता है। जगदलपुर में आपको इंडियन नियाग्रा कहते हैं, जो इंद्रावती में वाटरफॉल्स हैं, तो उसमें कैंपिंग और टेंटिंग के बहुत ही उसमें उम्दा फैसिलिटीज हमारे हैं। और ये हॉट स्पॉट्स भी हैं, आते हैं ऑलरेडी टूरिस्ट महाराष्ट्र से आते हैं, पर महाराष्ट्र से कम है अभी, तो मैं आपके थ्रू इन महाराष्ट्रवासी को इन्वाइट करूँगा कि छत्तीसगढ़ में आएँ और जो चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैंने सरप्राइज है हमारे यहाँ, जैसे आप टैगलाइन बताइए छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो आइए सरप्राइजेस को आप डिस्कवर करिए, एंजॉय करिए। अच्छा प्लान है आपके गुजरात के, देखिए हमारे लिए तो आम टूरिस्ट ही ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसके आगे चल के तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा ऊपर, पर हम हर टूरिस्ट को हमारा अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, जो भी आता है छत्तीसगढ़ टूरिज्म के एरिया में अपना फुटफॉल देता है, वो सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर। ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स हैं, ये पिछले 15 सालों से मैं कर रहा हूँ, और मैं सारी टूरिज्म स्टेट्स को कोशिश करता हूँ कि प्रमोट हो जाएं,
और इनका जितना बढ़िया से बढ़िया मामला बन सके और हम बता सके कि किस स्टेट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों ने कहीं हिंदुस्तान के हमारे अपने भाइयों और बहनों ने देखी नहीं है, तो इसलिए मैं ये अवार्ड्स रखता हूँ कि कुछ होटल्स को भी हम अवार्ड देते हैं, टूर ऑपरेटर्स को देते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं, टूरिज्म वालों को देते हैं और पब्लिक के उसमें मैं ये करता हूँ कि आम पब्लिक को ये टूरिज्म अवार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह इनको सिलेक्शन हमारे नॉमिनेशन होता है और जो थोड़ी सी वोटिंग होती है उस पर पता लग जाता है हमारे को किस स्टेट को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र के तो खैर बहुत लाइकिंग है पब्लिक को, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काफ़ी लाइकिंग थी, इसलिए हमने इनको अप्रोच किया था कि इस बार आप हमारी पार्टी स्टेट बने। तो आज कितने अवार्ड थे, कितने अवार्ड से कहाँ कहाँ से थे? आज जो अवार्ड थे वो कुछ लोग तो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में कर्जत के थे, लोनावला के थे, नासिक के थे और कुछ अवार्ड जयपुर के थे राजस्थान से, कुछ गोवा के थे, कुछ मसूरी के थे, तो ये सब अवार्ड दिए आज हमने। पूरी इंडिया कवर करते हो इस तरह से? हाँ, मैं पिछले 15 साल से इंडिया पूरी कवर करता हूँ और हर स्टेट का हमारी टीम जाती है, हर स्टेट में जाके ये पता करती है कि कौन सी लाइकिंग है पब्लिक को स्टेट्स की, किस स्टेट्स की। सुनील रावत जी आए थे आज यहाँ पे? जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सुनील रावत जी आए थे, मुझे बहुत खुशी है और उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी अच्छी स्पीच दी महाराष्ट्र को, उन्होंने बहुत अपने स्पीच में प्रमोट भी किया और मुझे बहुत खुशी है कि सुनील रावत जी ने आके हमारा मतलब मान बढ़ा दिया, हमारे को बहुत इज्जत मिली उनके आने से। छत्तीसगढ़ टूरिज्म आपके सपोर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में? हाँ, इस इवेंट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म एक हमारी पार्टनर प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट होती है और इस बार छत्तीसगढ़ टूरिज्म हमारी प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट बनी है। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि मैं इस अवार्ड को करता रहूँगा क्योंकि मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स ये हैं और इस बार सुनील रावत जी ने कहा है कि